जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, एक ऐसी मस्जिद जो आपके हाथ में है, यानी आपकी ओपिनियन, आपका एक पोल जो है उस मस्जिद को बचा सकता है या वो मस्जिद जा सकती है। जी हाँ, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है और इस खबर को ना आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकें, क्योंकि एक तारीख से पहले पहले आपकी जो अपील है, आपके जो वोट है, आपकी जो ओपिनियन है, इस मस्जिद को बचा सकती है या मस्जिद जा सकती है। पूरी खबर क्या है दोस्तों बताने वाला हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीएमसी ने पब्लिक से पूछा है कि इस मस्जिद को यहां से हटा देना चाहिए, यानी शहीद कर देना चाहिए, या ये मस्जिद यहां पर रहनी चाहिए। और उसकी जो डेडलाइन है ना, वो 31 तारीख यानी 1 जनवरी 2024 से पहले पहले आपको ओपिनियन देनी है। पूरी खबर दोस्तों क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो मस्जिद है ये दिल्ली के अंदर, इस मस्जिद का नाम है सुनहरी बाग मस्जिद, और ये मस्जिद को हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत करी थी कि इस मस्जिद की वजह से दिल्ली में इस जगह पर जाम लगता है। हालांकि मैं इस पर कल ब्लॉग बनाऊंगा तो वो आप ब्लॉग भी जाकर देखना, लेकिन पूरी खबर क्या है फिर आप समझ पाओगे। और आपको ज्यादा से ज्यादा, चाहे आप इसके फेवर में करें या इसके अगेंस्ट करें, मतलब इसमें आपकी राय पूछी। पूरी खबर क्या है, सुनहरी बाग मस्जिद हटाई या नहीं, एनडीएमसी ने पूछा सवाल तो पब्लिक ने पढ़ा दिया इतिहास का पाठ। दिल्ली के सुनहरी बाग इलाके में स्थित मस्जिद को हटाने के लिए दिल्ली यानी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने लोगों से सुझाव मांगा है। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि यह पब्लिक तय करेगी कि यह मस्जिद वहां पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एनडीएमसी ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, यानी जो संडे गुजरा है, जिसके तहत लोगों को 1 जनवरी तक अपना सुझाव पेश करना है। एनडीएमसी के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 300 सुझाव जो है मेल के जरिए सामने आए, जिसमें अधिकतर सुझाव मस्जिद को हटाने के विरोध में थे, यानी मस्जिद वहां से नहीं हटनी चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद से एरिया में जाम लगता है। सुनहरी बाग मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज ने अधिकारियों के जाम लगने के दावे का विरोध किया और कहा कि एनडीएमसी के साथ बैठक करेंगे। किसानगंज के एमपी डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने एनडीएमसी के नोटिफिकेशन का विरोध करते हुए कहा कि मैं सुनहरी मस्जिद के प्रस्ताव डिमोलेशन के खिलाफ आवाज उठाता हूं। यानी ये पहली बार हुआ है कि पब्लिक पे इस चीज को छोड़ा गया, और मतलब यहां पर पब्लिक की ओपिनियन, जो आपकी ओपिनियन, आपके वोट है, आपके सुझाव, ये तय करेंगे ये मस्जिद यहां पर रहेगी, यहां से हट जाएगी। इतिहासकार राणा सफीवी का कहना है कि इस मस्जिद में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी संसद सत्र के दौरान रहते थे। हसरत मोहानी वही थे जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सुनहरी बाग मस्जिद के साथ इतिहासिक कई यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मस्जिद नहीं हटानी चाहिए। लेखक और इतिहासकार सोहेल हाशमी ने भी मस्जिद हटाने के विरोध में आवाज उठाई और कहा यह मस्जिद स्वतंत्रता सेनानियों का घर रह चुकी है, जिनमें सैयद फैजल उल हसन उर्फ हसरत मोहानी का नाम शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों इस पर जो रिएक्शन आया है, लाइक जमीयत उलमाए हिंद, उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और क्या बात कही है ये सुनना चाहिए। सुनहरी बाग मस्जिद हटाने को लेकर एनडीएमसी ने मांगा पब्लिक ओपिनियन। मैं बार बार पब्लिक ओपिनियन की बात ये कर रहा हूं क्योंकि आप पर तय होता है, इसलिए आप जो है एनडीएमसी की इनकी जो वेबसाइट होगी वहां पर जाओ और इस मस्जिद के रिगार्डिंग आप अपनी ओपिनियन रखो कि आप ये मस्जिद चाहते हो वहां पर रहे या मस्जिद वहां से हट जाए। सुनहरी बाग मस्जिद जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने पीएम मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में अपील करते हुए कहा कि वो स्वयं इस मामले का संज्ञान ले, मतलब इस मामले को वो अपने नजर में ले। और उन्होंने क्या कहा है, मौलाना महमूद असद मदनी ने पत्र में लिखा, यह मस्जिद दिल्ली में पिछले 200 साल से स्थापित है, यानी 200 साल से है, जो कि हमारे देश की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की नजीर रही है। उन्होंने लिखा कि यह मस्जिद न केवल प्रार्थना की जगह है बल्कि एक विरासत भी है। मौलाना महमूद के मुताबिक अक्टूबर 2009 में अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें यह मस्जिद ग्रेट थर्ड के हेरिटेज स्थलों में एक बताई गई थी। यानी जो हेरिटेज है इंडिया के अंदर, हेरिटेज वो होते हैं जो पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग होती है, लाइक जैसे ताजमहल है दिल्ली में, लाल किला है और बहुत सारी जो बिल्डिंग है, तो उसमें इसकी गिनती बताई गई थी। उन्होंने पीएम मोदी जी को लेटर लिखा और अमित शाह जी को लेटर लिखा, उसमें क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले में आप स्वयं संज्ञान लें, सुनहरी बाग की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। जमीयत उलमा हिंद ने इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद मस्जिद का दौरा भी किया, वो मस्जिद का दौरा किया। एनडीएमसी के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद
300 सुझाव मेल के जरिए सामने आए, जिसमें अधिकतर सुझाव मस्जिद को हटाने के विरोध में थे। ये दोस्तों अभी तक की सबसे बड़ी खबर है और ये डेडलाइन जो है 1 तारीख तक की है, यानी 1 जून से पहले पहले आपको सुझाव देना है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, हर जगह शेयर करें। उसके बाद आप जाएं उनकी वेबसाइट पर और ये जो है सुझाव दें कि आप चाहते हैं मस्जिद वहां से हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। साथ ही साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल और है अरबाज ब्लॉग, जहां पर मैं दुनिया में घुमाता हूँ और दुनिया को एक्सप्लोर करता हूँ जमीन पर जाकर। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।